पंचायत चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। सरकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में पंचायत की बड़ी भूमिका होती है। दरअसल सहरसा जिले का राजनपुर पंचायत विकास से कोसों दूर है। यहां चुनाव के वक्त बड़े वादे किए गए, लेकिन मौका मिलने पर भुला दिया गया। ऐसे में पत्रकारिता से अपना करियर शुरू करने वाले डॉक्टर संजीव ने इस पंचायत के विकास का बीड़ा उठाया है। कि आपके जो भी समस्या है हम उसको पूरा करेंगे। इंदिरा आवास में धांधली हो रही है उसको रोकेंगे, सड़क नहीं है सड़क बनाएंगे, शिक्षा के लिए स्कूल की व्यवस्था करेंगे। यदि मुखिया चुनाव जीतते हैं तो जो आजादी से अभी तक पिछड़ी हुई थी, और हम चाहेंगे राज्य ही नहीं देश में एक नंबर। मेरा जयनगर से मनिहारी जाने वाली जानकी एक्सप्रेस समस्तीपुर में 10 सितंबर रेलवे गुमटी के पास हादसे का शिकार हो गई। दरअसल बखरी ढाला के पास गुमटी से गुजर रही एक जेसीबी से तेज रफ्तार ट्रेन की टक्कर हो गई। इस हादसे में जेसीबी का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार जिस वक्त जेसीबी ट्रैक को पार कर रही थी, उसी दौरान जानकी एक्सप्रेस वहां पहुंच गई। अचानक ट्रेन के आने से पोकलेन चालक को संभालने का मौका नहीं मिला और हादसा हो गया। इधर दुर्घटना की खबर मिलते ही समस्तीपुर रेल मंडल के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना के कारणों को जानने की कोशिश की। नालंदा के गिरियक थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक बुजुर्ग परमेश्वर यादव की हत्या कर दी। मृतक के परिजनों ने बताया कि परमेश्वर यादव और संजय यादव के बीच जमीनी विवाद और बालू उठाव का विवाद चल रहा था। इसी विवाद में कुछ दिनों पहले संजय यादव के एक रिश्तेदार की हत्या हुई थी। परिजनों का आरोप है कि इसी हत्या के प्रतिशोध में संजय ने बीती रात अपने साथियों के साथ घर में घुसकर सो रहे परमेश्वर यादव पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। रात में सोए हुए थे तो एक भाई आके चेक कर दिया है मेरा एंटी पार्टी, तो कोई नहीं मिले, हम लोग नहीं मिले, तो मेरा दादाजी को मार के चले गए। वो तो था 10-12 आदमी था, 10-12 गोली फायर हो ही गया था। अरे यही समय लड़ाई झगड़ा था, पारिवारिक लड़ाई था, उसको पार्टी वो स्टूडेंट से एस्क्वायर हो गया था। और गुमला में पशुओं की अवैध तस्करी बदस्तूर जारी है। ताजा मामला रायडी प्रखंड के कोडरा गांव का है, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने तस्करों से लगभग 500 पशुओं को आजाद कराया। इस दौरान उनके हत्थे दो पशु तस्कर भी चढ़ गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने तस्करों से मिली भगत का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दिया कि यदि प्रशासन पशु तस्करी पर रोक नहीं लगाती है तो इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। कहां घर है आपका? छपरा के जयप्रकाश नारायण प्रौद्योगिकी संस्थान में छात्रों के दो गुटों के बीच मारपीट हुई। कॉलेज के ही सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों के साथ मारपीट की है, जिसमें एक छात्र बुरी तरह जख्मी हो गया है। घटना के संबंध में घायल छात्र ने बताया कि सीनियर्स के कुछ जूनियर छात्रों के साथ कहासुनी हुई थी, जिसकी शिकायत प्राचार्य से की गई, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। है कि क्योंकि 2019 और 2018 के बैच का मामला है, तो इसमें रैगिंग का मामला नहीं दिखता है, बल्कि जूनियर और सीनियर के ईगो का प्रश्न है, आपस में लॉबिंग करके कि हम ऊंचे तो हम ऊंचे। और इसमें 2018 बैच के लड़कों का, मैं 1 बजे रात को सारे लोगों को अंदर अपने हॉस्टल में करने के बावजूद, उसके बाद 2018 बैच के द्वारा जो है इन 2019 में जहां पे आप वो कर रहे हैं, वहां पे लड़कों को इसमें मारा पीटा गया और आप देख रहे हैं कि 10 लाख। और सहरसा के कहरा में दलालों ने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया है। इस घटना की जानकारी मिलते ही प्रखंड विकास पदाधिकारी ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। बताया जा रहा है कि आधार केंद्र पर आधार कार्ड बनवाने आई महिला से दलालों ने पैसे की मांग की। महिला ने जब पैसे देने से इनकार कर दिया तो दलाल मारपीट पर उतारू हो गए। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इन दलालों को संरक्षण कौन देता है? क्या अधिकारियों की मिलीभगत से इस तरह के काम हो रहे हैं? ये जांच का विषय है। फिलहाल प्रखंड विकास पदाधिकारी रचना भारती ने दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है।
गुमला में सदर अस्पताल में एक महिला मरीज की मौत हो गई, जिससे नाराज परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इस संबंध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के जरिए मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने के अलावा दोषी चिकित्सक और प्रबंधक पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। ये बात जब रही पानी चढ़वा के हम हाथ में पकड़े और तुम वहीं रहो बोलता है। हाँ, उसके बाद ले गए सीढ़ी के पास। सीढ़ी के पास भी हमारे यहाँ सोने के लिए बेड भी नहीं था और वहाँ जो लेडीज रूम से स्टेन लेके लाए थे तो उसको भी लाने नहीं देता था। तुम हाथ में रखो पानी को और चढ़ाओ। तब जब कौन बोलते लेडीज लोग बोला है, सिस्टर लोग कहाँ का। पोटका के काटासोला में स्वर्ण रेखा परियोजना के ईंचा प्रमंडल में 200 मीटर के अंदर दो पुलिया और एक नाला बनाया गया है, जिसका आदिवासी मूलवासी विकास परिषद ने विरोध किया है। परियोजनाओं का निरीक्षण करने आए परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि जहां जरूरत नहीं थी वहां दो दो पुलिया बनाकर पैसे का दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि इस लूट खसोट को रोकने के लिए राज्यपाल से लिखित शिकायत करेंगे। ये जो नहर बन रहा है ये एकदम खेती जो जमीन को पूरा बर्बाद किया जा रहा है, जो कि कृषकों का बहुत इसमें लॉस है। और जो बन रहा है, अगर बनता अच्छी से बनता तो बहुत अच्छी बात था। पुलिया जो बन रहा है 150 मीटर के दूरे दूरे में बन रहा है, जो कि एक ही पुलिया में काम चलता। और जो नहर बना है एक तो अलग से ड्रेन, वो भी मतलब पूरा सूखा हुआ है, पूरा सालों भर सूखा रहता है। अब कोई पानी का ये जरूरत नहीं है। हम लोगों को जैसे लग रहा है कि पूरा सरकार का पैसा पूरा एकदम गबन। मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड में कोरोना काल में प्रवासियों को लेकर टेंट घोटाले का मामला जनप्रतिनिधियों ने उजागर किया है। जनप्रतिनिधियों ने इसे लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उनकी मांग है कि टेंट घोटाले की जांच में जिला प्रशासन एक विशेष टीम का गठन करे ताकि इसकी निष्पक्ष जांच हो सके। जनप्रतिनिधियों के मुताबिक घोटाले की जांच एक तरफा की जा रही है, जो क्षेत्र के हित में नहीं है, और अगर इसकी निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई तो वे आगे चलकर इस मामले में धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल भी करेंगे। अभी डीएम साहब से मिले हैं प्रमुख और पंचायत समिति का प्रतिनिधि मंडल। बाढ़ में कोरोना के समय में जो कोरोना का मैंने कैंप चला था, उसमें बहुत बेहतर तरीके से प्रखंड स्तरीय BDO और CO द्वारा जो है बहुत बेहतर से बेहतर व्यवस्था। सरायकेला खरसावां जिले के कुकड़ू प्रखंड में तेजस्विनी परियोजना के अंतर्गत चल रहे 4 दिवसीय वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण का समापन हो गया। आयोजकों ने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रखंड के कुल 41 तेजस्विनी क्लब के युवाओं ने हिस्सा लिया, जिन्हें इस परियोजना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। राम शर्मा फिल्म प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनने वाली भोजपुरी फिल्म हमार स्वाभिमान की शूटिंग यूपी के प्रतापगढ़ में चल रही है। इस फिल्म में पवन सिंह, अंजना सिंह और डिंपल सिंह मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म के निर्माता भारतीय मूल के पोलैंड निवासी NRI राम शर्मा हैं, जिन्हें इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं। पारिवारिक पुष्टि पर बनने वाली यह फिल्म वैश्विक पैमाने पर भोजपुरिया संस्कार का विस्तार करेगी। अब तक के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।